नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कांग्रेस मकालय। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस को बाय बाय कहेंगे हरदा? कांग्रेस में कलह का क्या है यह पूरा माजरा? ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जहां पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के एक ट्वीट ने उत्तराखंड की राजनीति में घमासान मचा दिया है। अक्सर दूसरी पार्टियों पर सवाल उठाने वाले हरदा ने इस बार खुद की पार्टी पर ही सवाल उठा दिए हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपनी लाचारी जाहिर करते हुए लिखा, संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में विचार आ रहे हैं कि बहुत हो गया, नया साल रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हरीश रावत के ट्वीट में दर्द है, गुस्सा है, लाचारी है। हरीश रावत के ट्वीट ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट देहरादून से दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्जनों बहुत कद्दावर नेता जो है वो कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सर, आपने जो किया है, क्या देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी और आपके बीच में उसे एक जंग के तौर पे देखा जाए? क्या कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? हरीश रावत के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दर्द नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके अंतर्कलह का नतीजा है जो हरीश रावत के मुख से बाहर आया है। इस पूरे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के इस ट्वीट की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें देवेंद्र यादव ने लिखा, सहजता का दामन पकड़ मेहनत संग चलता हूं, सबकी सुनता और समझता हूं, मैं नहीं हम पर यकीन रखता हूं। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस गंभीर गृह युद्ध का शिकार है और ये गृह युद्ध केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि केंद्र में भी हो रहा है। श्री हरीश रावत का ट्वीट उसी गृह युद्ध का एक और नया प्रमाण है। उनके अंदर जहाँ जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहता है और हरीश रावत जी प्रयास कर रहे हैं कि उनका चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। तो जो खींचतान है ये पहले से चली आ रही है और अब ये नए तरीके से सबके सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो कुंठाएँ हैं कांग्रेस की वो प्रकट होकर के आ रही हैं और ये खामियाजा तो कांग्रेस को पहले भुगतना पड़ रहा है, इस बार भी निश्चित तौर पर भुगतने जा रही है। हरीश रावत की स्ट्रीट ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को खुलकर सामने रख दिया है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत के दर्द ने कांग्रेस संगठन पर और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। अब सवाल उठता है, क्या गुटबाजी से हरदा परेशान हो गए हैं? क्या उनकी सुनी नहीं जा रही है? और सवाल ये कि नए साल में किस नए रास्ते पर जाने की बात कर रहे हैं हरीश रावत? क्या कांग्रेस को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंथुरा की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुका है। बसंत कुमार जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। लखपत बुटोला जी है प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है बुटोला साहब। अभिमन्यु कुमार जी है नेता भारतीय जनता पार्टी के, अभिमन्यु जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। लखपत बुटोला जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा है हरीश रावत उत्तराखंड में, इतने बड़े शीर्ष नेता अगर इस तरह से नाराज होंगे, पार्टी पर सवाल उठाएंगे, संगठन पर सवाल उठाएंगे, तो फिर किस जीत की और किस लड़ाई की आप लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड में इस बार?
आप ही के वरिष्ठ नेता सर इतने सवाल उठा रहे हैं संगठन पर, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए माने हरीश रावत जी इस प्रदेश के नहीं पूरे देश के एक बड़े नेता हैं, और उन्होंने केवल क्षेत्रीय राजनीति में नहीं देश की राजनीति में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है, और निश्चित रूप से कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ है। जिस आप जिस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस में घमासान है या कांग्रेस में आप अंतर्कलह की बात करें, आप क्योंकि कांग्रेस की चिंता करते हैं, इसके लिए शंकर जी मैं आपको बहुत बहुत नहीं सर मैं चिंता नहीं कर रहा हूं बुटोला साहब, मैं आपको याद दिला देता हूं, आपकी याददाश्त तो थोड़ा ताजी कर देता हूं सर। हरीश रावत साहब का ट्वीट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं बुटोला साहब, ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि संगठन का ढांचा सहयोग की बजाय मुंह फेर कर खड़ा है। अरे सुन तो लीजिए आप शंकर जी, थोड़ा मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, फिर उसके बाद मैंने कहा इसके लिए धन्यवाद, आपने चैनल पे उठाए, आपने चिंता ही तो की है, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों को भी तो चिंता करनी चाहिए ना सर, हम तो चाहते हैं बुटोला साहब आप भी चिंता करें थोड़ा सा। शंकर जी आप, मैं यही कह रहा हूँ कि आज मीडिया से लेकर तमाम लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हट जाए, और उसके लिए सभी लोग चिंता करें, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई मनमुटाव नहीं। माने हरीश रावत जी का ट्वीट जो आप जिसको आप बता रहे हैं वो मैंने भी देखा था, जो उन्होंने दिन में दिन सुबह के टाइम पे देख, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस प्रदेश में जब ये प्रदेश बना था, मैं पढ़ के सुनाऊं बुटोला साहब हरीश रावत जी का ट्वीट, मेरे पास पूरा ट्वीट है, सुनो मैंने पढ़ता हूँ, मैं ऐसे नहीं आता हूँ डिबेट में, मैं डिबेट में ऐसे नहीं आता, सुन लीजिए, नहीं मेरी आदत उस तरह की नहीं कि मैं ट्वीट देखे बगैर या पढ़े बगैर डिबेट में, मैं सुना देता हूँ ना आपको ट्वीट, नहीं मैंने सुन रखा है, नहीं आप कबूल नहीं कर रहे ना, आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे ना बुटोला साहब, दरअसल समस्या यहाँ हो जाती है। सुन लीजिए मुंह नहीं मोड़ रहा हूँ, मैंने आपकी चिंता के लिए आपको धन्यवाद दिया, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर मेरी चिंता क्या, तो हरीश रावत चिंता कर रहे हैं, हरीश रावत संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी सुन नहीं रही है, आपने चिंता की मैं उसके लिए धन्यवाद दे रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात पे आ रहा हूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ जब 2000 में प्रदेश बना, उसके बाद जब 2002-3 में चुनाव हुए तो कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल कमजोर थी, हरीश रावत जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को खड़ी किया और लोगों को गांव-गांव से बूथ-बूथ से जोड़ने का काम किया, और कांग्रेस यहाँ पे खड़ी हुई और कांग्रेस सत्ता में भी, लोगों ने भरोसा किया, यहाँ का जनमानस और यहाँ की जनता हरीश रावत को नेतृत्व देना चाहती, ये सारे सर्वे में आता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत लोकप्रिय नेता है, जन नेता है, जन नायक है, उसमें कहीं कोई इफेक्ट बट नहीं। हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि कुछ लोग जब चुनाव का समर है, कुछ लोग निश्चित रूप से जिन्हें पार्टी से ज्यादा अपनी चिंता रहती है, कुछ लोग जो पार्टी को जिन्होंने खड़ी की है उस पार्टी में कमजोर करने के लिए यदि कोई काम करा, तो जो लोग बहुत जो व्यक्ति बहुत मन तन से यदि आप भी किसी संस्थान में काम करते हैं, और हमारा कांग्रेस का जो परिवार है उसमें कुछ लोग उसको कम करने का, अगर वही लोग होती है, वही लोग परिवार पर सवाल उठा दें, उनकी नीतियों पर सवाल उठा दें, नेतृत्व पर सवाल उठा दें, तो फिर सवाल बुटोला साहब बनता है। मैं जो अभिमन्यु कुमार जी को जोड़ लेता हूं इस डिबेट में, अभिमन्यु जी कोई समान नहीं, क्या समझ में आता है आपको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के इस ट्वीट से? हरीश रावत का दर्द साफ साफ नजर आ रहा है इसमें, ज्यादा कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। ये अंतर कलह जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी का स्थायी लक्षण बन गया है, और कोड़ में खाज ये हो गई है कि प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच तो अंतर्कलह जो है ना, जो दिखाई दे रही है, उसके बीज कहीं ना कहीं इनके हाईकमान से जुड़ते हैं। आप पंजाब देख लीजिएगा, राजस्थान देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ देख लीजिएगा, उससे पहले मध्य प्रदेश देखा है, जो जो भी अंतर्कलह प्रदेश नेताओं में दिखाई देती है उसकी जड़ आज के कांग्रेस के हाई कमान के अंदर है, उसमें निहित है, इसलिए ये स्थाई इनका लक्षण बनता चला जा रहा है। उत्तराखंड भी उससे कोई छूता नहीं है, क्योंकि अभी तक हरीश रावत जी 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया जब से वो अपने को किसी ना किसी रूप में प्रोजेक्ट करते चले जा रहे थे कि वही कांग्रेस के चेहरा बनने वाले हैं। जब वो कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के प्रभारी थे तब भी उनके ये दर्द उनका छलकता रहता था जी, और हाईकमान के वो बड़े निकट माने जाते थे, लेकिन वहां पर सत्ता बदल हो गई पंजाब में और इनको वहां से प्रदेश प्रभारी से भी हटा दिया गया, लेकिन इनकी मन की मुराद वो पूरी नहीं हुई। नौ जी हटाया नहीं गया, छलकना स्वाभाविक है, इसको इतना भरोसा हो और वहां से उनको पूरा ना हो तो उसका परिणाम लेंगे। ठीक है, अभी अभिमन्यु जो आ रहा हूँ आपके पास, वसंत कुमार जी को भी जोड़ लेता हूँ इस डिबेट। वसंत कुमार जी,
आपको क्या समझ मारा हरीश रावत के ट्वीट से? वो साफ साफ लिख रहे हैं कि संगठन का ढांचा सहयोग की बजाय मुंह फेर रहा है, और अभिमन्यु कुमार जी ने जो एक बात कही है, पद की बात कही है उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेतृत्व जो सबसे बड़ा एक संकट इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के सामने है, 72 साल के हो गए हरीश रावत, क्या कोई डर तो नहीं हरीश रावत को? और इन्हीं डरों के बीच जब उन्होंने अपनी बात को रखा होगा तो क्या उनकी बात को खारिज कर दिया होगा, इसीलिए ये दर्द ट्वीट के जरिए हरीश रावत ने बयां किया है? शंकर जी, मैंने कहा ये हाईकमान जलित, केंद्रीय नेतृत्व के जलित, ये बसंत कुमार जी जो अंतर कल है बटोला जी, इतनी तो मर्यादा रखिए, यहाँ तो कलह मत करवाइए, जब मुझसे सवाल पूछा है तो मुझसे मुझे जवाब देना। ठीक ठीक बसंत जी प्लीज थोड़ा जल्दी, आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं, हमारी भी सुन लीजिए। जब किसी संगठन में इस तरीके का होता है तो वास्तव में वहाँ अंतर्कलह होना स्वाभाविक है। जब नंबर हमारा आता है तो हम अपनी बात रखते हैं, जब दूसरे का आता है तो वो अपनी बात रखता है, और डिबेट का एक सिद्धांत तो होता है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं, हमें आफ्टर ऑल घर का सिद्धांत नहीं चलाना है, हम लोगों को राष्ट्र के बेहतरी के बारे में सोचना है, लोकतंत्र के बारे में सोचना है, और वास्तविकता ये होती है जब स्वार्थ जो है समाज हित से बड़ा हो जाता है तो इस तरीके की परिस्थिति आ जाती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का पतन का कारण ही यही रहा है कि हर राजनेता, राजनीति का तो उद्देश्य ही त्याग होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो त्याग कहीं नहीं दिखता और स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है। जब आम आदमी पार्टी कहती है कि जनता के भले के लिए काम करना चाहिए, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। आखिर जनता के भले की बात करने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये अपना स्वार्थ उसमें देखते हैं, इसलिए जनता के भले की बात नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि आप फ्री की आदत डाल रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं मंत्रियों को मिलते हैं, विधायक को मिलते हैं, पहले से तो झोला पकड़ खाकी का वर्दी पहन के चलते थे विधायक मंत्री लोग। आज की डेट में आप देख रहे हो कि परसों ही एक लिस्ट आप ही के चैनल में, किसी चैनल में जारी किया हुआ था कि मंत्रियों की जो सैलरी इनकम है, मंत्रियों की जो संपत्ति है, वो संपत्ति इतनी बढ़ गई करके अखबार के पन्ने में छपा हुआ था। आखिर परिस्थितियां क्या है कि त्याग की भावना से कोई राजनीति कर ही नहीं रहा, सब लोग अपने स्वार्थ की भावना से राजनीति करने में लगे हुए हैं, और राजनीति त्याग का विषय है। इस देश को बेहतर बनाना है, यहाँ के लोकतंत्र को बेहतर तरीके से स्थापित करना है, जन का कल्याण करना है, और दुनिया के नक्शे में इस देश को आगे बढ़ाना है, तो नेताओं को त्यागी होना पड़ेगा, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी नेता जब कभी भी बेहतर तरीके से, त्यागी होना पड़ेगा। जिस तरह से बसंत कुमार जी ने सवाल उठाया, ठीक है, आकांक्षाएं होती हैं, हरीश रावत बड़ा चेहरा है, हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि पार्टी के पास उत्तराखंड में कोई और चेहरा नहीं है तो वो प्रबल दावेदार हैं, लेकिन क्या उनकी मांग को ठुकरा दिया गया जिस वजह से वो नाराज़ हैं, हताश हैं और अपनी व्यथा को सोशल मीडिया के जरिए बयां कर रहे हैं? मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह रहा हूँ, हरीश रावत जी के पास 2003 के भी 32 विधायक का समर्थन था छत्तीस में से, 2012 में भी उनके पास 22 विधायक का समर्थन था। हरीश रावत जी को अगर कांग्रेस से बड़ी पीड़ा होती, समाज से बड़ी पीड़ा होती, उन्हें उन्होंने चिट्ठी दी हाईकमान से, कहा था मुझे उत्तराखंड में समय दिया जाए, उत्तराखंड के लिए चुनाव आ रहे उसमें सेवा कर। हरीश रावत जी को कांग्रेस में विधानमंडल में चुनाव अपना मुख्यमंत्री तय करना है, उसमें कहीं इफेंट बटनी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि संगठन के कुछ लोग जो पार्टी को कमजोर करना चाहते, निश्चित रूप से उनसे अपनी पीड़ा उन्होंने बताया। दूसरी बात, जो बसंत जी बार बार कहते हैं कि समाज सेवा है, बसंत जी मैं दो सवाल आपसे पूछा, पहले तो आपने कहा तुम बीच में बोल रहे, मैं बीच में बोल ही नहीं रहा था, अब यही तुम्हारी याद आते, तुम गलत बात बोल रहे थे, लेकिन एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल इतनी समाज सेवा करते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों लेता है, सबसे ज्यादा सैलरी दिल्ली के विधायक क्यों लेते हैं? अगर ये समाज सेवा करते हैं तो देश के अंदर सैलरी ना ले मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा सैलरी कौन मुख्यमंत्री लेता है, सबसे छोटे स्टेट का मुख्यमंत्री लेता है, तो आप इस तरह की बातें करते तो अच्छा नहीं लगता है, जब स्टडी कीजिए उन चीजों पे, उसके बाद कही आप, मैं जवाब दे दूं आपके सवाल का, सुन ली, हाँ आप दीजिए, मैं पहले इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए सारे लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, आदमी पारितोषिक लेता है, फिर आप उसी बात से आगे, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपसे मैं ये पूछना चाह रही, यदि आप समाज सेवा जनता की सेवा के लिए आए हैं और आपने अभी तो बीआरएस लिया है,
अभी तो क्लास वन रिटायर होकर सेवा कर देते ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मुख्यमंत्री यहाँ जब लोकतंत्र में आए तो सैलरी सबसे ज्यादा क्यों लेते, ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, हरीश रावत जी, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि कांग्रेस प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। आज मैं अपने गाँव में अपने क्षेत्र में लोगों का बड़ा मन है कांग्रेस के प्रति, हरीश रावत जी के प्रति, इस प्रदेश की जनता की आस्था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर कहता जो लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाह रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और हरीश रावत जी प्रदेश हमारा सौभाग्य की इस प्रदेश और देश का बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उन्होंने देश प्रदेश की बहुत बड़ी देश और उत्तराखंड की बहुत सेवा की, उत्तराखंड की जनता की। नहीं भुटोला साहब, भुटोला साहब, आप जितना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये दर्द उतना बढ़ता जाएगा सर। नहीं, अगर कोई परेशान है, चाहे मैं किसी छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक की बात कर रहा हूँ सर, अगर कोई हम पार्टी सुन लीजिए सुन लीजिए, ये हरीश रावत कह रहा है ना, हरीश रावत कह रहे हैं कि मन में विचार आ रहे हैं बहुत हो गया। जी जी जी, इसका क्या मतलब आप ये बताइए मुझे। लेकिन तब होता है ये तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बोला ना, मन में विचार आ रहा बहुत हो गया। जी जी, मैंने तो संकेत है ना, अगर उनकी नहीं सुनी गई तो पार्टी से किनारा भी कर सकते हैं। पार्टी उन्होंने किनारा नहीं कहा, मैं आपसे उन्होंने कहा है जिस पार्टी में हरीश रावत जी ने 52-53 साल जिस पार्टी को बनाने के लिए दिया हो, और उस पार्टी में कुछ छुटभैया नेता, कुछ छुटभैया कार्यकर्ता, तो उनकी मेहनत को और कांग्रेस की मेहनत को मान रहे ना पार्टी के अंदर कलह है, फिर निश्चित कलह मान रहे ना, फिर उन लोगों को हटा, भुटोला जी मान रहे हैं ना पार्टी के अंदर है ये चीजें जो डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं। हरीश रावत जी संघर्ष में ही जीवन रहा है, उत्तराखंड की सेवा के लिए, उत्तराखंड की जनता उनको बसंत जी बोलिया मुख्यमंत्री बनाए। भुटोला भुटोला साहब, मैं भुटोला जी सवाल है तो आपने क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी, देखिए हरीश रावत जी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिन्हें उनके आदेश पर तैरना है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सर ये समझा दे। अब राजनीति अपना आराम करना चाहिए, तो उसका जो सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिन्हें उनके आदेश पर तैरना है, ये इससे क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है, भुटोला जी समझा। जी भुटोला साहब, राजनीति जो है सेवा का धर्म है। आपने एक सवाल खड़ा किया है कि सैलरी सबसे ज्यादा क्यों ली जाती है, सैलरी का जहां सवाल है, नहीं सैलरी पे मत जाइए आज भुटोला जी, आज मत जाइए आज, जी 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 आज मत जाइए आज, तो मैं केवल आज 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 भुटोला जी आज आज ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है, बसंत कुमार जी देखेंगे कि उनकी रणनीति कैसे काम करेगी, अभिमन्यु कुमार जी देखेंगे कि सत्ता में कैसे वापस आना, आज इस पर चर्चा। भुटोला जी से मेरी एक राय है, मेरी एक राय है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि राजनीति सेवा का काम है और सेवा ही राजनीति का धर्म है। और इस सेवा में आप अंतर कलह में इतने परेशान हो चुके हैं कि आपने अपनी सत्ता खोई है और शायद अब आपको वापस मिलने वाली नहीं, नहीं वो मान रहे हैं, भुटोला जी ने माना अभी कि पार्टी के अंदर है कुछ चीजें जो डिस्टर्ब हो रही है। मेरी एक बहुत बढ़िया राय है, मेरी एक बहुत बढ़िया राय है, पहले मेरा परमिशन दे तो बोले बोले ठीक है। भुटोला जी मेरी राय पहले दे दूं मैं, मेरी एक बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, त्याग भाव से होना चाहिए, स्वार्थ रहित होनी चाहिए, सेवा के लिए होने चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, अरविंद केजरीवाल जी को ये चेहरा पहले क्यों नहीं दिखाया दिया, ये उन्होंने यहाँ कर्नल कोडियाल जी की वजह इनको क्यों नहीं चेहरा बना दिया, या ये तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है कांग्रेस, मुझे तो लग रहा है आप लोग कांग्रेस बीजेपी में जो झगड़ा करते हैं तो उनसे ऊपर चले जाने चेहरे का। सुनिए सुनिए सर, मैं जवाब दे देता हूँ ठीक है, बसंत जी को जवाब देने दीजिए, फिर अभिमन्यु जी के पास आ रहा हूँ मैं। बसंत जी संक्षेप में सर प्लीज। जो कांग्रेस बीजेपी में जो चेहरे का झगड़ा चलता है, जिसके वजह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज खत्म होने को जा रही है, उस झगड़े को आप आम आदमी पार्टी में भी लाना चाहते हैं? मैं तो लखपत भुटेला जी को एक राय, मैं तो लखपत भुटेला जी बता रहा हूँ, देखिए आप तय नहीं करेंगे, उत्थान और पतन के लिए इतिहास गवाह है सर, एक जैसे किसी की नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश जाएं, पंजाब जाएं, वहाँ पर मणिपुर जाएं, सब जगह जाएं। अभिमन्यु कुमार जी, हरीश रावत के इस ट्वीट से आपको क्या समझ में आ रहा है? पार्टी के ऊपर है,
जो त्याग भाव की बात करते हैं, स्वार्थ राजनीति की बात, आप लोग तो बार बार इस बात को उठाते ही रहे कि गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, अब वो चीजें दिख भी रही है। अभिमन्यु जी, जी देखिए गुटबाजी जो ये अब कोई ये कोई डिबेट का विषय है, मैंने पहले ही बताया ये तो इनका एक स्थायी लक्षण बन गया है और उसका कारण भी मैंने समझा दिया। अब देखिए ना अभी नहीं, सर, सर आपके आपके पार्टी के अंदर गुटबाजी है कि नहीं है? आपके पार्टी के अंदर नहीं है इनका जो गुटबाजी ने कहा आपके पार्टी के अंदर है नहीं है, इनका क्या मतलब है? आपके पार्टी के अंदर है कि नहीं है ये बता दीजिए। तो ये गुटबाजी प्रतिपक्ष रहे, जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जो आज भी नेता प्रतिपक्ष है, जो चार साल से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे, कोई छुट गए नेताओं में उनकी गिनती आएगी? तो जब ऐसी भाषा प्रयोग होगी तो फिर वहां पर एकता कहां से हो जाएगी, सामंजस्य कैसे बैठेगा? अभिमन्यु जी एक सवाल है मेरा, हाँ सवाल है कि आपके पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं थी तो आपको तीन मुख्यमंत्री बदलने की कैसे जरूरत पड़ी, ये बता दीजिए आप हमको। अरे भाई तीनों साथ में काम कर रहे हैं बड़े भाई, कहां काम कर रहे हैं दोनों, अचानक जिसका नाम भी नहीं था उसको लगातार वो फील्ड में है। भाजपा को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ग्रोथ माइंडेडनेस थोड़ा सा करना पड़ेगा। बहुत समझ रहे हैं भाजपा को, भाजपा केवल मुख्यमंत्रियों की प्रयोग भारतीय भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम होते हैं सामूहिक होते हैं, उनकी एक प्रक्रिया है। वो जो गढ़वाल में कोई कितना भी बड़ा नेता हो अकेले नहीं। अभिमन्यु जी ये सवाल तो फिर पूछा ही जाएगा कि भाई ऐसी क्या समस्या आ गई थी आपको विधानसभा में, जहां झंडे चल रहे थे, जहां मंत्री जी सभा में से लौट के चले गए थे, उसका भी जवाब दे दीजिए कि गुटबाजी है कि नहीं है। आप बता रहा हूँ ना, अभी जो राजनीति में इस प्रकार के कहीं पर भी अपभ्रंश होते हैं उनकी व्यवस्था कितनी बढ़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी व्यवस्था की हुई है, तभी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी के मंच से जो पिछली बार झगड़ा वायरल हो रखा था, जो झंडे पर बता दो रहा बाबा, जहाँ राजनीति है वहाँ अगर कोई झगड़े हो जाते हैं तो ये अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन उनकी उनको शांत करने की, उनको सुलझाने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है वो बनानी पड़ती है। मतलब आप भी मानते हो ना अंतरकला है, एक बड़ा डिफाइंड वेल डिफाइंड प्रोसेस है हमारी जनता पार्टी, आप समाधान कर लेते हो, प्रक्रिया है उसमें से गुजरती है। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी आप समाधान कर लेते हो, ये दूसरी बात है, पर अंतरकला आपके बीच में भी है या मानते हो ना? मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको भी फॉलो करना चाहिए, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो हमारे वहाँ अंतरकला है ही नहीं। आप पार्टी की बात करें तो आप पार्टी में जो शुरू के जो हीरो थे कहाँ है आजकल, कहाँ है कुमार विश्वास, कहाँ है प्रशांत भूषण, हमारे वहाँ अंतरकला है ही नहीं, बताइए आप साबित कर दीजिए हमारे वहाँ कोई अंतरकला है, हमारे वहाँ है ही नहीं अंतरकला, मंच में डंडे हमारे वहाँ नहीं चलते। दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको साबित क्या करना, बताइए। अभिमन्यु जी मंच में डंडे हमारे वहाँ नहीं चलते, अपने व्यक्तिगत कारणों से कोई पार्टी से अगर बाहर। ठीक है, एक एक करके एक एक कमेंट, एक एक करके एक एक कमेंट में चाहूंगा, आखिरी में बसंत कुमार जी पहले आप बोले। जो मौलिक सदस्य थे और इतने बड़े शशि भूषण, प्रशांत भूषण, ठीक है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, बसंत जी जवाब दीजिए संक्षेप में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे वहाँ अंतरकला आप कैसे साबित करोगे, हमारे वहाँ लड़ता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया, आप साबित करके दिखा दीजिए। कायदे से आपको राष्ट्रीय संयोजक बना देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं उत्तराखंड में, आप तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, या तो कर्नल अजय कोटियाल की जगह आपको चेहरा बना देते, या तो अभिमन्यु जी आप तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और सतपाल महाराज जी से पूछ लीजिए कितना अंतरकला है करके, जो उत्तराखंड की जनता जानती है। लगे हुए मुटोला साहब, मुटोला साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ संक्षेप में, ये स्थिति अगर है, हरीश रावत बार बार ये कह रहे हैं कि मन में विचार आ रहा है, बहुत हो गया है, संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा हुआ है, ठीक चुनाव से पहले अगर ये चीजें हो रही है, आपके सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के इस बात को कह रहे हैं, तो फिर आप किस बात को लेकर किस दम के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार आप सत्ता में वापसी आएंगे? देखिए बुटोला साहब, ये तो सीधे सीधे पार्टी को नुकसान और पहुंचाएगा बुटोला जी, इस बात को आपके नेता नहीं समझ रहे क्या? अभी बुटोला साहब मेरी एक राय है, वाइंड अप करिए, उत्तराखंड में कुछ होने वाला नहीं है। इन्हें बता दीजिए, ये इस तरह की बातें मत कीजिएगा,
जब टर्न होता आप उसमें कहिए, ठीक है। मैं आपको सुन रहा था, मैं इस तरह की बातें पसंद नहीं करता हूँ। बसंत जी को बोले बोले देखिए, सुन लीजिए, उत्तराखंड में देखिए जनमानस से लेकर सब लोग हरीश रावत जी को चाहते हैं, संगठन में भी कुछ कमी है निश्चित। तो फिर बुटोला जी सवाल ये उठता है ना कि इतने बड़े नेता की अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो छोटे कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा? उनकी बात, छोटे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे अपना दर्द लेकर? उस चू को दूर किया जाएगा। इस तरह की यदि किसी तरह की बात है तो निश्चित रूप से मान्य हरीश रावत जी सब विकल्प मिलेंगे, और क्या बातें मैं देख करके देखेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई मनमुटाव नहीं। कांग्रेस निश्चित रूप से 22 में सत्ता में आएगी, और देख लीजिएगा, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में सत्ता में आएगी। चलिए, शुभकामनाएं हमारी है सभी पार्टियों को, क्योंकि सभी इस बार दावा कर रहे हैं सत्ता में आने का, लेकिन उत्तराखंड में देखना होगा कि जिस तरह से अभी हम राजनीतिक बयानबाजी के बीच में आपसी गुटबाजी अंतरकलह देख रहे हैं, इतना आसान है क्या सत्ता में वापस आना पार्टियों के लिए? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी और लखपत बुटोला जी और अभिमन्यु कुमार जी इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।